कहाणी 18 इसराइला रा दो भागा च बटना। दाऊदा ने 40 साल तक शासन कित्या, तब से मर गया। तब तीसरे बेटे सुलेमाना ने इसराइला पर राज करना शुरू कित्या। परमेश्वर ने सुलेमाना कने बात कीती और पूछया, भाई तू क्या करना चाह जो आऊं ता खतर करूं। सुलेमाना ने बोलिया, भाई से तिसो बहुत समझदार बनाई दे। परमेश्वरे तीसरी बात ते बहुत खुश हुआ और तिसो दुनिया रा सभी समझदार आदमी बनाई था। तब सुलेमाना ने बहुत बाता सीखिया और से एक समझदार राजा था। परमेश्वर ने तिसो बहुत अमीर बनाया। यरूशलेम च सुलेमाना ने से मंदिर बनाया जित तेरी योजना तिने अपने पिता कने कीती थी और समान इकट्ठा कित्या। अब लोग परमेश्वर री महिमा मिलाप वाले तंबू री जगह मंदरा च करा थे और बलि चढ़ा थे। परमेश्वर मंदरा च रहा था और अपने लोका कने रहा था। पर सुलेमाना ने दूजे देशा री औरता कने प्यार कित्या। तिने बहुत सारी 1000 औरता कने ब्याह कित्या और परमेश्वर री बात नहीं मन्नी। इत्ते खतर की से दूजे देशा रे ते आई रिया थिया और अपने देवता भी साथी लिया रिया थिया और तिनारी पूजा भी करा थिया। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तब तिने भी तिनारी देवतारी पूजा कीती। परमेश्वर सुलेमाना कने बहुत गुस्सा था। इत्ते खतर तिने बोलिया, बई आऊं इसराइला जो दो हिस्से च बंडगा, इया आऊं तीजो दंड देंगा। और ए सुलेमाना रे मरने ते बाद हुआ। सुलेमाना रे मरने ते बाद तीसरा बेटा रहबाम राजा बनया। इसराइल देशा रे सारे लोग तिसो राजा मानने खातर एक जगह कट्ठे हुए। तिने लोका ने रहबामा कने बोलिया, बई सुलेमान ने तिना ते बहुत ज्यादा काम करवाया और बहुत सारा लगान भी लिया। तिने रहबामा कने विनती की कि अब तिना ते कम काम करवाना। रहबाना ने तिना जो बहुत बुरा जवाब दित्या, बई तुसे बोलना है मेरे पिता ने तुसा ते बहुत काम करवाया, आऊं तुसा ते तीते भी ज्यादा काम करवाऊंगा और तीते भी ज्यादा तंग करगा। जब लोका ने तिसो बोलदे सुनया तो कई ने तिस कने बुरा सोचया। 10 कुला ने तीसरा साथ छटिता। अब तिस कने बस 2 ही कुल थे। इना 2 कुला ने आपू जो यहूदा रा राजा बोलिया। बाकी जो 10 कुल थे तिने यरोबाम नामा रे आदमिया जो अपना राजा बनाईला। ए कुल देशा रे उत्तर और पूर्वज थे। तिने आपू जो इसराइला रा नाम दित्या। पर यरोबामा ने परमेश्वर के खिलाफ बगावत कीती और लोका ते पाप करवाया। तिने अपने लोका ते पूजा पाठ करने जो 2 मूर्तियां बनाई से अब यहूदा रे राज्य यरूशलेम च परमेश्वर री आराधना करने जो नी गे। यहूदा और इसराइल रे राज्य अब आपसा च दुश्मन बनी गए और इन्हें एक दूजे कने लड़ने लगे। इसराइला रे नवे राज्य च सारे राजा पापी थे। इन्हां में ते कई राजा री जगह खतर बनने जो इसराइला कने लड़ाइया च मारे गए। इसराइला रे सारे राज्य रे राजा ने और बहुत लोका ने मूर्ति पूजा कीती। जब तिने एड़ा कित्या तब से हमेशा दूजी औरता के गए और कई बार अपने बच्चे मूर्तियां गे बलि कीते। यहूदा राज्य रे राजा दाऊद कुलारे थे। इन्हां राजाओं च कई अच्छे लोग भी थे। तिने ईमानदारी कने राज कित्या और परमेश्वर री महिमा कीती। पर यहूदा रे ज्यादातर राजा पापी थे। तिने पाप कित्या और मूर्तियां री पूजा कीती। इत्थे तक कि तिने झूठे देवी देवता रे आगे अपने बच्चे बलि कीते। यहूदा रे लोका ने भी परमेश्वर रे खिलाफ बगावत कीती और मूर्ति पूजा कीती।